गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा ही होगा और आप लोग भी अच्छे से होंगे। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। साइंस की हम लोग साइंस पे चल रहे थे, जनरल साइंस, जिसमें क्या है, जो किसके लिए इम्पोर्टेंट था हमने बताया था, NTPC ग्रुप डी, CGL और CPO के लिए, ठीक है। जनरली जो मित्र हमारे UPPCS प्री वाले हैं वो भी देख सकते हैं, बट प्री के लिए, नॉट मेंस। मेंस से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, सॉरी। इसके लिए मेंस के लिए आपको अलग से वीडियो मिलेंगी। पहले आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, अपने कमेंट बताइए। आप इतना चीज़ कर देंगे, मैं डेफिनेटली वादा करता हूँ आपको, मेंस की सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी साइंस से रिलेटेड। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक चर्चा कर ली थी, उस पर एक बार हम थोड़ा सा नज़र डाल लें, फिर बातें कर लें, फिर आगे आज के टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस में बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने शुरू किया था पहला सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, ब्लड्स, ब्लड्स के फीचर्स पढ़े, ब्लड्स के फिजिकल कंपोनेंट, ब्लड के केमिकल कंपोनेंट्स, और ब्लड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई। ब्लड्स के कंपोनेंट्स में हमने जो भी चीज़ें थी वन बाई वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, ठीक। अब हम आज शुरू करेंगे, आज एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके सामने, जिसको नाम दिया जाता है हार्ट। हार्ट यानी हृदय, हृदय, ठीक। ये हार्ट होता है भाई, ये उसी का सेकंड पार्ट होता है, ब्लड्स का ही सेकंड पार्ट होता है। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि सर ये RH फैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा मैं उस पर बता देता हूँ। RH फैक्टर ये RH फैक्टर क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा माइक। तो हमारा जो माइक थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए हम शुरू करते, हम क्या बता रहे थे आपको, RH फैक्टर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है जनरली, ये एक फैक्टर्स होता है ये जो हमारे ब्लड ग्रुप में पाया जाता है। थोड़ा सा मैं पीछे का टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, मात्र आपसे 5 मिनट लूँगा, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है। तो RH फैक्टर भी, RH क्या होता है भाई, एक टाइप का ही ब्लड ग्रुप होता है, ये भी एक ब्लड्स का ही ग्रुप होता है, ठीक है। ब्लड का ग्रुप समूह जिसको कहेंगे आप, ब्लड ग्रुप से कहते हैं इसको, ठीक। ये क्या होता है भाई, दो टाइप्स का होता है, एक RH पॉजिटिव होता है, एक होता है RH नेगेटिव, ठीक। RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि ये नया कोई ग्रुप आ गया 4 से लेकर 5वां, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वही चीज़ होता है जिनके पास AB और O रहेगा, उसी में RH प्लस और RH माइनस रहता है एक फैक्टर, उसमें एंटीजन एंटीबॉडीज के अलावा भी काम करता है, ठीक। चीज़ें क्या होती है भाई, RH का मतलब क्या होता है, ये रीसस मंकी थी, एक मंकी बंदर था जिसको मंकी, ठीक, रीसस मंकी नाम की एक प्रजाति बनती थी, जिसमें ये पहले सबसे पहले सर्च किया गया था। क्या इसका फीचर्स होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। RH पॉजिटिव अगर किसी पर्सन में है, मी अगर मुझे मान लो मैं RH पॉजिटिव हूँ, तो मुझे किस टाइप के ब्लड ले सक, मैं कैसा कैसा ब्लड ले सकता हूँ भाई, RH पॉजिटिव का भी ले सकता हूँ, RH नेगेटिव का ले सकता हूँ। ये मैं क्या कर सकता हूँ भाई, रिसीव कर सकता हूँ, RE मतलब समझ रहे हैं आप लोग, रिसीव करना। डोनेट करना क्या होता भाई, डोनर, डोनर का मतलब क्या होता, मैं किसको किसको दे सकता हूँ, RH पॉजिटिव प्लस आल को, ठीक। अब आता है भैया RH नेगेटिव, एक पॉइंट होता है RH नेगेटिव, ये किससे किससे ले सकता है, RH नेगेटिव जो है किससे किससे ले सकता है भाई, ओनली RH नेगेटिव से लेगा, ठीक है। डोनेट किसको किसको कर सकता है, RH नेगेटिव प्लस RH पॉजिटिव, दोनों लोगों को डोनेट करता है। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई बात, ठीक। तो ये बड़ा क्रिटिकल केस होता है, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव सबके यहाँ पाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई RH नेगेटिव का पर्सन हो गया और RH पॉजिटिव का मैन हो गया, ये वुमेन है ये मैन है, दोनों की क्या होगी, मैरिज हो गई, शादी होगी, तो क्या होता भाई, शादी में जो पहला बेबी होगा उनका, पहला बच्चा यानी फर्स्ट बेबी या फर्स्ट चाइल्ड, वो तो बच जाएगा, जिंदा रहेगा। उसके बाद जो बच्चे बनेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो क्या होगी,
एक प्रकार की डिजीज हो जाती है, जिन लोगों में ऐसा चीज़ें आती हैं उनके अंदर एक डिजीज हो जाती है, नाम उसका आप लिख लीजिए, कैसी डिजीज हो जाती है, क्यों हो जाती है, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा, एरिस्टियोब्लास्टिस नाम की, एरिस्टियो ट्रियो ब्लास्टिस, ठीक है, एरिस्टियोब्लास्टिस। जनरली आप नाम जानिए, काम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता भाई, ये ऐसा ही चीज़ होती है जिसमें क्या होता है, पहले बच्चे के पास जितने भी बच्चे होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। वाई रीजन क्या होता है सर, उसके बारे में बता दें। जो हमारी ब्लड होती हैं, ब्लड, ब्लड्स का एक फीचर होता है क्लोटिंग करना, क्लोट कर देना ना, क्लोटिंग का मतलब क्या होता है भाई, जम जाना। जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो जो हमारा बेबी होता है, जैसे ही उसमें ब्लड बनना शुरू होता है, यानी विद इन द 3 to 4 months का जैसे ही वो होता है, उसका कंप्लीट ब्लड जो है क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, ना ही उसमें कोई ढंग का एंटीबॉडी होता, ना ही एंटीजन हो जाता। फिर वो बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, ठीक है, टाइम ऑफ द बर्थ, जन्म के समय, ठीक है, टाइम ऑफ द बर्थ, जब जन्म का समय होगा, टाइम ऑन द बर्थ, बर्थ, उसी समय वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। क्यों बन जाएगा भाई, मर जाएगा, वही क्या होती है, आर्थियोब्लास्टिस। मतलब अगर पॉजिटिव हो गया, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। हमने क्या बताया आपको, सॉरी यार, ठीक, हम क्या बता रहे थे भाई, हमारा थोड़ा माइक खराब हो गया था, सॉरी, बार बार स्लो हो रहा है। तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, तो अगर इनकी क्या हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, तो इस तरह की क्या होती है, रिएक्टिविटी हो जाती है, मतलब इस तरह से एक फैक्टर निकल के आता है और एक डिजीज बन जाती है जिसको आर्थियोब्लास्टिस कहते हैं। ठीक, बस इतनी बातें यहाँ से नोट करने वाली थी, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आर्थियोब्लास्टिस एक ऐसी बीमारी होती है जब कोई आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव टाइप की लोगों की शादी होती है, तो उसमें क्या होता है, आर्थियोब्लास्टिस में क्या होता है, आफ्टर फर्स्ट बेबी के बाद, आफ्टर द सेकेंड बेबी, वो क्या हो जाते हैं, सारे डेथ हो जाते हैं। बस इतनी सी बातें थे, क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा टॉपिक है हृदय, थोड़ी सी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, और थोड़ी सी आज मेरी तबीयत नहीं ठीक से है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, तो बाकी की चीज़ों को मैं कल देखूंगा। हृदय के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके बाद मैं कल इसके बारे में डिस्कस में पढ़ेंगे हम लोग। हृदय क्या होता है भाई, जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं, ठीक, दो चीज़ सबसे पहली बात जान लीजिए, ठीक है, हृदय की स्थिति, हार्ट की स्टडी किसमें की जाती है, तो स्टडी ऑफ ब्रांच इज हार्ट इज नोन एज द क्या कहते हैं उसको, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, क्या कहते हैं भाई उसको, अबाउट स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द कार्डियोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं भाई, अबाउट टू स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द कार्डियोलॉजिस्ट, इज कॉल्ड कॉल्ड द थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, सर देखिए यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, देखते रहिएगा, कार्डियोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अब एक चीज़ और होती है भाई, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कार्डियोलॉजी, जिसमें साइंस की वह ब्रांच जिसमें हार्ट का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाते हैं। हिंदी में आप लिखोगे, साइंस की वह ब्रांच जिसमें हार्ट की स्टडी की जाती है, यानी हृदय की स्थिति की जाती है, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन पहला आपसे यही पूछा जाएगा, विच इज द नोन ऑफ द हार्ट स्टडी, विच ब्रांच इज नोन एज द हार्ट स्टडी ऑफ हार्ट, क्या कहते हैं भाई उसको, उस ब्रांच का नाम बताइए जिसमें हम हृदय का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अभी तक हम पीछे क्या पढ़ रहे थे भाई, हीमाटोलॉजी क्या होता है,
अबाउट टू द स्टडी ऑफ ब्लड, अबाउट टू द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमाटोलॉजी। हेमाटो का मतलब ही होता है ब्लड से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको और रिवाइज करा दिया। अबाउट टू स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमाटोलॉजी। आइए हम कार्डियोलॉजिस्ट पे। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट दो चीज़ होती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे सीजीएल में इंग्लिश में पूछा जाता है, जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, वहाँ से भी आपको एक बता दे रहा हूँ। द स्पेशलिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट इज नोन एज, क्या कहते हैं भाई उसको, जो हार्ट रोग का विशेषज्ञ होता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं उसको? कार्डियोलॉजिस्ट, यानी ऐसे डॉक्टर जिन्होंने MD, MBBS, MS जो भी होता भाई, MBBS प्लस MS प्लस MD, इतनी डिग्रियां होती हैं मेरे हिसाब से, बाकी और होती होंगी तो मुझे नहीं पता, सॉरी मुझे मेडिकल फील्ड की जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो जिन्होंने इसमें स्पेशलाइजेशन किया होता है उसको क्या कहते हैं भाई? कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या कहते हैं उसको? हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक। अभी कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है बोर्ड पे, ही इज कार्डियोलॉजिस्ट या सी इज कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर लेडीज रहेंगी तो सी इज कार्डियोलॉजिस्ट, मेंस रहेगा तो ही इज कार्डियोलॉजिस्ट, क्लियर। अब आप बताएंगे कि सर आपने कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में बताया, कार्डियोलॉजी क्या होती है ये बताया। अब हार्ट कैसा आर्गन होता है, कैसा आर्गन होता है हार्ट, इसके बारे में थोड़ा समझा लें। कैसा आर्गन होता है हार्ट? हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन। हार्ट इज ए सर्कुलेटरी आर्गन का, आर्गन का मतलब पॉइंट नंबर सेकंड लिखेंगे, किस टाइप का आर्गन होता है? सर्कुलेटरी आर्गन का मतलब क्या होता है भाई? सर्कुलेटरी आर्गन। कैसा आर्गन होता है हार्ट? सर्कुलेटरी, जिसको हिंदी में क्या जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे संयोजी तंत्र। कैसा आर्गन होता है भाई? संयोजी तंत्र। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, हार्ट कैसा होता है? पंपिंग आर्गन। पंपिंग आर्गन यानी पंपिंग का मतलब क्या होता है? हवा भरने वाला आर्गन। हवा भरने वाला आर्गन, ठीक है। थर्ड नाम इसको और दिया जाएगा है मस्कुलर आर्गन। कैसा आर्गन होता है? मस्कुलर आर्गन, ठीक है। कैसा होता है? पेशी आर्गन। राजकुमार सर देखिएगा, सही जा रहा, पेशी तंत्र, देखिए सर, ठीक, पेशी तंत्र। सर ने आपको क्या क्या बता दिया भाई? हार्ट कैसा आर्गन होता है? सर्कुलेटरी आर्गन। क्यों सर्कुलेटरी आर्गन कहते हैं? संयोजी तंत्र। मतलब क्या होता है इसमें? इसका काम ही होता है ब्लड, इसमें क्या होती है, जो ब्लड होता है भाई, वो ब्लड इसमें पूरा जो है सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? सर्कुलेट शब्द कहाँ से आया भाई? ये सर्किल से आया, सर्कुलेट शब्द सर्किल से। सर्कुलेट का मतलब होता है घूमना, सर्किल करना, घूमना, ठीक है। क्या होता भाई? सर्कुलेट का मतलब सर्किल करना, घूमना, ठीक, इसी से लिया गया है। तो कहाँ से आया भाई ये? सर्कुलेटरी आर्गन होता। पहला आपका आंसर, पहला ऑप्शन क्या होगा? ब्लड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हार्ट कैसा आर्गन होता है, तो ऑप्शन में आपके बहुत सारे विकल्प दे सकते हैं, बट आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सर्कुलेटरी होगा। सेकंड क्या होता है? हार्ट इज ए पंपिंग आर्गन। कैसा होता है भाई? हवा भरने वाला आर्गन। थर्ड क्या हो जाए? हार्ट इज ए मस्कुलर आर्गन। मस्कुलर आर्गन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होती हैं? ओनली क्या होती है भाई? मसल्स होती हैं, पूरा मसल्स बना होता है, नॉट बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज बिल्कुल ही नहीं पाई जाती हैं, मतलब बोन्स और कार्टिलेज इसमें नहीं पाई जाती हैं। ये कार्टिलेज और बोन्स की क्या होती है भाई? बोन्स का मतलब क्या होता है? हमारी अस्थि, ठीक है। तो हमारी जो शरीर है किससे बनी है? बोन्स प्लस कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ पाई जाती भाई? ये कांस वाली जो हड्डी होती है, कान वाली, ऐसी बोन्स जिसको हम क्या कर दें, जिसको हम पुश कर सकते हैं, जिसको हम मूव कर सकते हैं ना। कांस को आप पकड़िए और अपने कान को ऐसे पकड़ के दबा दीजिए, दब जाएगा ना, तो इसको कार्टिलेज कहते हैं। बट अगर हाथ को आप यहाँ से मोड़ना चाहेंगे तो ब्रेक करेगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो कार्टिलेज का मतलब होती है ऐसी बोन जो मोड़ने पे टूटे ना। अब बोन्स का मतलब होता है ऐसी
सबस्टेंट या ऐसा आर्गन जो मोड़ने पे टूट जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। चीज़ें स्पष्ट हो गई, ठीक है। हार्ट के बारे में हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ लिया। मस्कुलर आर्गन, एक चीज़ क्या कहते हैं इसको, मस्कुलर आर्गन, ठीक है। कैसा आर्गन होता है हार्ट, मस्कुलर आर्गन। आइए हम लोग थोड़ा सा और इसमें डीप पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने हार्ट की विशेषता बता दी, हार्ट कैसा आर्गन होता है, क्या काम होता है, हार्ट का मेन काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क ऑफ हार्ट, वर्क ऑफ हार्ट क्या वर्क होता है भाई इसका, ठीक है। क्या वर्क होता, पंप, पंप ऑफ द ब्लड, ब्लड को पंप करता है, ऐसा नहीं कि प्यूरीफाइड करता है। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ब्लड को ये क्या करता है, प्यूरीफाइड कर देता है, प्यूरीफाइड नहीं करता है, ठीक है। ब्लड को प्यूरीफाइड नहीं करता है, कौन नहीं करता, हार्ट नहीं करता। क्या काम करता है, ये पंपिंग का काम करता है। इसका मेन काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग काम करता है। कितने टाइम करता है, 24 आवर, 24 आवर, मतलब हमारी शरीर का एक ऐसा आर्गन हार्ट होता है जो कि 24 आवर यानी 24 घंटे काम करता है। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो 24 आवर वर्क करता है। मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर कर दूं, जब आप सो जाते हैं तो आपकी आँखें रिलैक्स करती हैं, जब आप नहीं बोलती हैं तो आपकी एनर्जी नहीं लॉस होती। अगर आप खाना खा के आराम से सोए हुए हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो काम करेगा, बट एक समय के बाद वो भी रिलैक्स करेगा। लेकिन ओनली हार्ट और ब्रेन, ब्रेन भी हमारा कब रिलैक्स करता है, ब्रेन हम जब सो जाते हैं तब, कम्प्लीटली फुल नींद में जब होते हैं तब हमारा ब्रेन भी रिलैक्स करता है। बट अगर आप जाग रहे हैं तो कोई ना तो कोई आपके मन में खुरपाती आइडिया आता ही रहेगा, कुछ ना तो कुछ आप सोचेंगे ही, तो आपका ब्रेन ही वर्क करता है। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं तो लंदन पहुँच गए थोड़ी देर में, ठीक है, न्यूयॉर्क पहुँच रहे हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं, आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो सब चीज़ें कौन सोच रहा है भाई, हमारा ब्रेन सोच रहा है ना, तो वही सबसे तेज़ वर्क करता। तो हार्ट कैसे, हमारा जो मेन टॉपिक है हार्ट कितना वर्क काम करता है भाई, 24 आवर। सर आप पूछेंगे रिलैक्स वाला क्वेश्चन, रिलैक्स कितना करता है, कितने लिए करता है, 0.08 सेकेंड, कितना करता है, 0.08 सेकेंड ही रिलैक्स करता है। कैसे करता भाई, हार्ट की जो पंपिंग होती है, कभी आप अपने जब डॉक्टर होता है स्टेटोस्कोप लगा कर कैसे देखता भाई, कान में अपने लगा लेता है और स्टेटोस्कोप आपके हार्ट पे रखेगा, तो उसको वॉइस आएगी, कैसी वॉइस आएगी, वॉइस कैसी आएगी, कैसी वॉइस होती है हार्ट की, कैसी वॉइस होती है, लब और डब, लब और डब, ये इसकी वॉइस का नाम है। हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि हार्ट की वॉइस का नाम क्या होता है, लब और डब, ये दो ही वॉइस निकालता है और ये कंसिस्टेंटली 24 आवर यही कहता है, लब और डब, लब और डब, ठीक, एक बार लब एक बार डब, एक बार लब एक बार डब, यही बोलता हुआ जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो मात्र कितने समय का होता है, 0.8 सेकंड का। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है वो यही है, क्या है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितने टाइम ये, कितने टाइम ये रिलीफ करता है, मतलब रिलैक्स करता है, कितने टाइम करता है, 0.8 सेकंड, कितना टाइम लेता भाई, 0.8 पॉइंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि हृदय के समयांतराल, समयांतराल इसी तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया, समयांतराल कितना होता है, आपके विकल्प में दिया गया था 0.8 सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया था 0.10 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.4 सेकंड, तो आपका विकल्प होगा 0.8 सेकंड, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक। तो अभी तक हमने हार्ट के बारे में भाई क्या क्या देख लिया, हार्ट की वॉइस क्या होती है, अब यहाँ तक वर्क क्या होता है, मेनली हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट कैसा आर्गन होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो आज जो है आपका यही तक रहेगा, कल हम हार्ट के स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में देखेंगे। थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन हो गई है इसलिए आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा के साथ नई क्लास में, तो तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा PVR स्टडी पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।